निशा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशा रेट्रो ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सभी मॉर्निंग के बजे में है 10:30 और मैं जाके आई हूँ मेरा स्काउट गाइड का, जो मेरी कॉलेज की तरफ से ही ना 7 दिन के कैंप होंगे तो उसके लिए मैं जाके आई हूँ, क्योंकि सर ने बोला था कि आप वहीं कर लो, जयपुर आओगे तो अब मैं जाके आई हूँ। तो सर ने बोला है कि स्काउट गाइड कैंप तो आपको करने ही पड़ेंगे, तो वो शायद तक है ना नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में, इलेक्शन के बाद में स्टार्ट होंगे। तो सर ने बोला कि वो तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा और 7 डेज़ यहीं स्टे करना पड़ेगा। तो उसकी मुझे टेंशन हो रही है कि मैं कैसे रहूँगी, कैसे क्या करूँगी। तो देखते हैं, अभी तो होंगे नहीं, अभी सर ने बोला कि एप्लीकेशन लिख के दे दो, तो जब भी होंगे कैंप हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और जहाँ कैंप होंगे ना वो बहुत ही दूर है घर से, मतलब 8-10 किलोमीटर दूर है। तो देखते हैं कैसे क्या करते हैं, और वहीं जाके आई हूँ मैं। तो अब बनाएंगे चाय, और आज के लिए मन ही नहीं करता क्योंकि आप लोग है ना बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो और ना ही व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं मेरे। आजकल पता नहीं क्या हो गया, यूट्यूब पे बिल्कुल भी अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, इस वजह से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मैं फ़ोन उठा के आप लोगों के लिए शूट करती हूँ, तो प्लीज़ 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 बहुत सारा सपोर्ट करना। तो चलो बना लेते हैं चाय। कमेंट्स आ रहे थे कि ना जीजा आप होम टूर का व्लॉग डालो। सो होम टूर का व्लॉग है ना, देखो अभी तो मैं नहीं डाल सकती, जब मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना तब मैं लेके आऊँगी होम टूर का व्लॉग, पक्का लेके आऊँगी आप सब लोगों के लिए। मैंने यही सोच रखा है कि मेरी 5000 मेरी यूट्यूब फैमिली कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आप सब लोगों के लिए होम टूर का व्लॉग ज़रूर लेके आऊँगी। शाम हो चुकी है, शाम क्या रात ही हो गई आज की, तो और दिन में तो बस नहीं किया शूट क्योंकि मैं कंटिन्यू पहले मतलब 2 दिन से कंटिन्यू मैं ब्लॉग डाल रही हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि 2 दिन का गैप चाहिए मुझे भी, क्योंकि ऐसा कुछ कंटेंट भी मेरे पास शूट किया हुआ नहीं रखा हुआ है। सो अभी बना रही हूँ मैं खाना, किचन में हूँ और आज खाने में बन रहा है कढ़ी, कढ़ी बन रही है। भाभी से गाय वगैरह रखते ना तो वहाँ से छाछ भेजते थे, तो फिर कढ़ी बना लेते हैं। आज काफ़ी दिन हो गए कढ़ी बनाए हुए भी। सो कढ़ी और चावल और मैं बनाऊँगी चपाती। सो बना लेते हैं खाना। मैं लगा रही हूँ अपनी आँखों पे आलू, ये पागलपंतियाँ कर रहे हैं, ये तो हटाऊँ एटलीस्ट। चलो वैसे भी फेस धोना ही है मेरे को, उसके बाद में लगाएंगे विटामिन ई के कैप्सूल्स। मैं अब है ना अपने डार्क सर्कल्स को मिटा के रहूँगी। तो ये है इनके ड्राई फ्रूट्स रात को भिगो के खाने के, ये इनका पाउडर। अब फुल जिम शिम डोले शोले बने अंजीर, यार ये मुझे बहुत अच्छी लगती है सच में भिगो का, ये मेरी फेवरेट है। वैसे तो ये देखो ये मेरा फेवरेट है, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स में अंजीर मेरे फेवरेट है और बस मुझे पिस्ता अच्छे लगते हैं, बाकी छोड़ते तो कुछ भी नहीं है। ये भी भिगोने हैं ना, इनको अलग भिगोंगी। हाँ वो उसमें वो मूंग और डालने वो अलग भिगोंगा। अरे बच्चे देखो हमारे अभी तक नहीं सोए, टाइम हो रहा 11:30, मिडनाइट होगी तो सो जाओ। तो अभी बजे रात के 11:30 और हमारे बच्चों को नींद नहीं आ रही, यहाँ डाइट प्लान चल रहा है, मतलब मिट्टी के में तो अच्छा रहता है। तो हम ड्राई फ्रूट्स भिगोएंगे इसके अंदर, पानी मत गिरा देना वरना सोएंगे यहाँ पे। बस 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 ज़्यादा मत डालो, फिर ये चीज़ें भी तो आएगी ना। इसके अंदर भिगोएंगे हम, मिट्टी के अंदर अच्छा रहता है, इसमें मिट्टी के कलश में। व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था सो अभी स्टार्ट कर रही हूँ, और अभी बजे हुए हैं मॉर्निंग के 7:45 बजे हुए हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, 8 बच्चों की बहुत जल्दी छुट्टी हो जाएगी इसलिए मैंने लंच नहीं बनाया है। वैसे तो मैंने आटा वाटा तो लगा लिया था, मैंने सोचा लंच बना दूँगी, लेकिन उन्होंने बोला कि हम नहीं लेके जाएंगे। सो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स उनको दे दिए थे जो भिगोए थे ना रात को, वो दे दिए थे उनको। तो अब करेंगे घर की क्लीनिंग, और सुबह देखो इतनी मतलब बेड पे सारा सामान अस्त व्यस्त रहता है। आज मैंने लगाई है कपड़ों के लिए मशीन, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं यार सच में, बच्चों के तो इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो अभी मैं धो रही हूँ कपड़े और साथ साथ में डस्टिंग क्लीनिंग भी करते जाएंगे, ऐसे ही होगा काम। इनके भी कपड़े पड़े हैं बहुत सारे, सो कर लेते हैं काम।
ये देखो सिया ने कितना अच्छा डेकोरेट किया, इसमें स्प्राउट्स भी होते हैं ना, तो उसने लिख दिया स्प्राउट्स। पर आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।